हले तक पवित्र आत्मा जिहड़ा जमीन दे उत्ते आ ठहरिया होया, खुदा ने भेजा है 35 दिन गया नहीं, इत्थे ही आ। 35 दिन जिहड़ा पवित्र आत्मा उतरिया सी ओह हले तक धरती दे उत्ते आ, वास कर रहा। जिहड़े लोगों नूं चाहवां दा उहनां दे अंदर उह आ जांदा है, जिहड़े लोगों नूं लाइक करदे ने। परमेश्वर दा इक जन, मैं अज तो 2-3 दिन पहले उन्होंने मिलया, वो अच्छा टैरी मीटिंग उन्होंने कहते कर देंदे सी, उन्हें फास्टिंग पे करना वो मीटिंग टैरी मीटिंग जो उन्होंने वह नाम दिता सी। उच्चे लोग मैं उन्होंने देखा जी लोग गाते सी तो लोगों के हाथ में पुत्रात्मा बड़े लोग पाते रहे। एक गल 20 साल पुरानी गल आ, 15-20 साल। पर मैं उन्होंने सवाल किया कि पार साहब तुम्हें देखा कभी अजक होली स्पिरिट नहीं मिलता लोगों चर्चा च? कभी कहीं नैट पर गवाही सुनी कि अज 100 बंदे ने पुत्रात्मा पाया, 150 ने, 500 ने? कभी नहीं सुनोगे। सुनोगे बीमार चंगा हो गया, कैंसर चला गया, दमा चला गया, वो चला गया। तो जिदे जिदे चो चला गया ना ठीक होया, उन्हें भी चले जाना, उन्हें भी चले जाना, क्योंकि वो टेक नहीं सकता। क्यों नहीं टेक सकता? क्योंकि पवित्र आत्मा ही सानू अपने खुदा ना की करता है, जोड़ के रखता है। बोलो कौन जोड़ के रखता? पवित्र आत्मा। ये जिहड़े लोग चंगे हो जाते हैं अपने मुश्किलों तो प्रॉब्लम तो, ये लंबा समा खड़े नहीं रह सकते। इस करके उन्होंने रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन बाइबल जो थिस्सलुनीकियों का खत असं पढ़ते ना, है ना, उन्होंने तुम एक हाले पवित्र आत्मा गया नहीं, लेकिन वो बारे मैं तुम्हें टच करना चाहता हाले गया नहीं। पर मैं इदा लगता जिन्हें लोगों की चाहत खत्म हो जानी आ उले पवित्र आत्मा ने इदा लगता चले जाना, रहना नहीं, रहना नहीं है। होली स्पिरिट के बारे मैं तुम थोड़ा चाहना टच करनी है कुछ लाइना। आइए थिस्सलुनीकियों का खत, थिस्सलुनीकियों हुण हे भरावो, साढ़े प्रभु यसु मसीह दे आउण अते साढ़े उस कोल इकट्ठिया होण दे विखे असी तुहाडे अगे बेनती करदे हाँ भई तुसीं किसे रूह या बाणी या साढ़े नाउं दी जाली पत्री तों अपने मनो छेती ना डोलो। इहदा मतलब जाली पत्री हैगी आ, उह पत्रियां जिहड़ियां लिखियां उहदे ते, मतलब उहदे ते विपरीत असीं नूं इस वचन नूं अपनी अकल दे नाल मरोड़ तोड़ के इसनू कायल कर सुना सकते कि इदा नहीं है, बाइबल इदा लिखा, इदा लिखा है। हुण मेरी किन्नी समझ आ, मेरे को बाइबल आ, जिहदी अकल परमेशर ने खोली वह सुनेगा। जिवें जिवें हवा ने सुनी, अज भी लोग सुनते आ, सुनते आ। इत्थे बहुत अच्छी लाइन लिखी जिहड़ी मैं तुहानूं दसी कि कुछ कुछ धोखा ना खावे। और की लिखा पढ़िए, भई तुसीं किसे रूह या बाणी या साडे नाउं दी जाली पत्री तों अपने मनो छेती ना डोलो। छेती ना डोल जाओ किसी का प्रचार सुन के, किसी की हीलिंग देख के, किसी की भविष्यवाणी देख के छेती ना पिघल जाओ। और ना जाओ भई मानो प्रभु का दिन आन पुज्या है, और कोई तुहानू किसी तरह ना भरमावे, कोई तुहानू किसी भी तरह ना भरमाए, क्यों जो वह दिन नहीं आवेगा जिन्ना चिर पहला धर्म त्याग ना हो लवे अते उक धर्म का पुरख अर्थात विनाश का पुत्र प्रगट ना हो जाए। जो विरोधी है अते हर एक उत्ते जिहड़ा देव अखवाउंदा है या पूजा जाता है अपने आप नूं उच्चा करता है। मैं दसना चाहना तुहानूं इहो जिहियां मन कहत्तड़ कहानियां बहुत चारियां, ते जिहड़े चर्चा च पवित्र आत्मा उतरना बंद हो गया ना, बंद हो गया, होली स्पिरिट नहीं मिल रहा लोगों इन्हां दिनां विच, तो कलीसिया भी नहीं पता कि पुत्र आत्मा ने उतरता, वह भी अच्छा कलाम सुन के वापस चले जाते हैं। सुनिए, सिर्फ उस पादरी साहब ने एक गल मैं कही जिन्हों मैं पूछी, अच्छा सेवक से रब का, वह कहते जी समा होंदा, समा नहीं है। उन्हें उन्होंने कहा कि समा होंदा, समय दे वो एक पीरियड चल रहा सी उन्हां दिनां च जिले आप लोग बचे हैं 1988 में। मैं क्या उन्होंने दिनों जिले चर्चे से बड़े लोग पाक रूप पाते हैं ना, तो कहता हाँ, कहता वो टाइम से पुत्र आत्मा का। अज नोट करिए, पवित्र आत्मा का टाइम हले तक खत्म, उसकी सोच बदल गई आ। पता क्यों? पैसा आ गया। जिले पैसा आ जाता ना, एक आदमी सेवा छोड़ के गरीब भेजता, फिर उसकी दुआ च फर्क पैंदा, उसके फास्टिंग पर उसकी बाइबल च फर्क पैंदा, फिर अच्छे लोगों ने थोड़ा अपना संबंध रखना चाहता। उसका असल च जिहड़ा सब तो अच्छा रिश्ता आ दुनिया च कोई अच्छा है ही नहीं। कई बार असी जिहड़े थोड़ा उपर आ जाने मसीह विच, फिर असी हाई जेंट्री लोगों ने थोड़ा अपना वास्ता रखना चाहते, बड़े बड़े सेवकों ना अच्छे अच्छे लोगों ना जाना पसंद करते हैं। दुनिया च कोई अच्छा आया उपर तो लैके थले तक, वह नाम आ? बोलो बोलो कौन आ?
ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਜੈਂਟਲ ਨਹੀਂ ਆਦਮੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਛਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਆ ਲੋੜ ਆ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਰਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹਿੱਤ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਹੋਤਾ 'ਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਭਰਾ ਕਿਹਾ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜੈਂਟਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਦਿਲਵਾਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਦਿਲਵਾਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਈਡ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪੈਸਾ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਗੱਲ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰੇ ਲੋਕ ਕੰਨ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਂਜੀ ਤਰਜਮਾ ਆਵੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਲੋਕ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਵੇ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਆ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪਰ ਉਹ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਘਰ ਅੱਛਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਹੈ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਅਤੇ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਦੀ ਦੀਨਗੀ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਉਹਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਸਲੋਕਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਇਹ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਪਿਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗਾ ਤਾਂ ਗਵਾਈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਕਰੂ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ 500-700 ਆਦਮੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 4-4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲੋ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਰਾਊਂਗਾ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਉਤਰਨਾ ਬੜਾ ਕੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵ ਖਵਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੈਕਲ 'ਚ ਹੈਕਲ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਪਿਰਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਦਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਮੇਰੀ ਇਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਬੋਲੋ ਦੇਵ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਪਾਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇਲ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਗੋਲਡਨ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮਸਾ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੋਲੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਨੋਟ ਆ ਗਏ 500-1000 ਆ ਗਏ ਲੋਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰਜਾ ਨਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਪੜ੍ਹਨ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤੇਲ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਧਰ ਸੁਣੀਏ ਖਿਆਲ ਨਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਓ ਤੇਲ ਕਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇਖੇ ਤੇਲ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀ ਆ ਇਹ ਨਿਊ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਓਲਡ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੇ ਪੁੱਤ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਦਰਖਤ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਂਜੀ ਇਹ ਦੋ ਨਿਊ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਓਲਡ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਇਹ ਤੇਲ ਆ ਦੋ ਦਰਖਤ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ
बाइबल का तेर निकलता। अगर एक आदमी दे दुआ करते प्रार्थना दे नाल हीलिंग नहीं हो रही है तो जरा समान तो तेल लगा उसका कितना होना चाहिए, फिर तो जो समानी तेल है जितने लाने बोलो उ होजूगा, बोलो की होजूगा। अगर वह तेल उपरों आए जो कहते गोल्डन का तेल आ रहा, मैं कहना जोड़ा उपरों आएगा जिद लगेगा वह की हो जाएगा, पर होया होया बोलो होया होया ये शोर शराबा रौला रप्पा कि गोल्डन का तेल आ रहा। तेले किया की उस तेले पता क्यों? इस युग का ईश्वर शैतान और लोगों की कर रहा है, हैकल में आ जाता तो परमेश्वर बन के एक अपना काम करता। बाइबल समझ आ रही थानू ना? उदा समझ आ रही है? बाइबल कहती वह परमेश्वर बन जाता तो हैकल में आता तो आ जाएगा तो हीलिंग करेगा, आके चमत्कार करेगा। उन्होंने हूँ पहचानना है कि जे तेल उपरों आया बसा होया गोल्डन कलर तेल तो फिर ट्राई कर लीए लंगड़िया लाइए। बाइबल च लिखा जो उपरों आता ना वह कभी शक्तिहीन नहीं हुंदा, इहदा लिखिया उस सामर्थ हुंदी आ, जिदे लाओगे टच करोगे उही की हो जाएगा, उही चंगा हो जाएगा। अज तक उस तेल ने कुछ नहीं किया, जिन्हें उत्ते तेल आया उस तेल उपरों नहीं आया, वो ड्रैगन वालों शैतान वालों से तेल। यह मैं तुम्हें चैलेंज ना कर, बाइबल च लिखा अपने देव कहाँ देव तो वो कलीसिया चक्के बह जाता और आके हीलिंग करता कई कुछ करता। इन पहचानना है लिखा अपने आप देवता बन जाता। और की तुहानू चेते नहीं ये गल कही पौलुस सुने सलोकियां दी पत्री च कि तुहानू चेते नहीं वी तुहाडे कोल हुंदिया जद मैं तुहाडे कोल हुंदा सी सलोकियां दे लोको मैं तुहानू ये गल्लां आखियां मैं ये गल्लां तुहानू आखियां आखियां सी हुण तुसी ओनू जानदे हो तुसी हुण ओनू जानदे हो जो डक्की बैठा है एक डक्की बैठा भई ओ अपने समय सिर प्रगट हो ओ समय सिर प्रगट होवेगा कुतर्म दी पेत हुण भी तां असर करी जांदी है ओ जिहड़ी शक्ति आ कुतर्म दी पेत हुण भी की करदी आ असर करी जांदी है हुण भी विश्वासियां ते असर करी जा रही है विश्वासी पृष्ठ होए जा रहे ने पता क्यों बाइबल पढ़नी नहीं बस बहुत मसा पा रही समझ उत्थे देखो विश्वासी एक दूर विश्वासी मेरे चल के देख आ तेरे मैं शैतान का तेल लवावां ताकि मैं तो पृष्ठ हो गया ते तू भी हो जा तू भी हो जा ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਹਲੇ ਰੂਹ ਪਾਪ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹਲੇ ਵੀ ਕਲੀਸਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਪਰ ਜਦ ਤਾਈਂ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾ ਹਟ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡੱਕਣ ਵਾਲਾ ਆ ਤਦ ਉਹ ਕੁਧਰਮੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹ ਨਾਲ ਦਗ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਦਗਦ ਕਰੇਗਾ ਗੰਧ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਕਧਰਮੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣੀਏ ਉਸ ਬਦਰੂ ਦਾ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਆਉਣਾ ਉਸ ਝੂਠੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨੇ विश्वास कर दे जेड़े नाश हो रहे ने मेरे तेल आ गया ए नाश होने लिया तेरे लिए पैसे आ गए ए उन्हां लोकां दी जेब च आंदे आ पैसे जेड़े रिसीव करदे शैतान दे कम्मां नूं ये मेरे अजीज भैन भराओ ये बाइबल दियां गल्लां नहीं हन मैं उन्हां दी गल ही नहीं कर रहा उस तो बाद होर भी आए होर भी आए उन्होंने कित एक मीटिंग इतने हुई सूरन असी उत्थे भी इदां दा आया वह भी भविष्यवाणियां करे आप तुहाडे अकाउंट च पैसे आ रहे अज नोट करिए अकाउंट च पैसे उत्पत्ति की पुस्तक लिखा पता कदों आने इधर ख्याल करिए बाइबल च लिखा तू अपने खून पसीने की है इन्ना आंदे फिर तो कलाम झूठा हो गया जे इदे पैसे आ रहे हैं अज तो तुसी जिहड़े हुंदे बच्चे इन्हां नूं पता नहीं आ मेरे समय दे विच मेरे जिहड़े मेरे समय दे लोक आ 30 साल पुराने जादूगर पता की करदे सी इहदा कान तो की करदे सी बोलो की करदे सी पैसे झाड़दे पैसे तो डब्बा पैसा ना की सी जेब च तुहाडे पैसे पा देने जेब च गैप कर लेने ये पवित्र आत्मा का नहीं बोलो किदा काम बोलो किदा काम
जोर दी बोले किदा कम ये कभी हालेलुया खुश ना हो जे च पैसे आ गए आ गया वो आ गया। मेरे भैन भराओ इत्थे लिखिया वो झूठिया शक्तियां ना और की करेगा नाले उन्होंने जेडे नास हो रहे हैं जेडे लोग नास हो रहे उन्होंने विश्वास करना तेन मैं लै चलना जरा वचन चे खड़ा वह कहता भावे वह बैंक खोल दे मैं प्रोवाइड नहीं करता जरा वचन च खड़ा वह विश्वास नहीं करता वह कहता बाइबल से लिखा तू अपने खून पसीने की खाई बोलो पैसे किदा आने बोलो बाइबल किदा कहती है मेहनत करके किदा आने तो बाइबल च लिखा जरा वह धन सुलेमान कहता वह वधेगा घटेगा नहीं उच्च शराप नहीं होएगा उच्च उच्च बरकत होगी खुदा इदा लिखा कहता जी। और की लिखा पढ़िए कुधर्म दे हर प्रकार दे छल नाल कुधर्म दे हर प्रकार दे छल नाल इस कारण जो उन्होंने सच्चाई दे प्रेम नु कबूल ना किया जिस तो उन्होंने मुक्ति हो जाती ये जिन्हें लोगों के तेल तू लाए मैं तुम्हें सच्ची करना इन्होंने अपना पहला सिस्टम खोया है परमेश्वर का प्यार असली तेल इन्होंने खोता अपना को धर्म की रूह दे नाल ये फिर एक बार मसाहे पाप दे नाल इन्होंने रिसीव किया लिता उन्हों लिता ये साढ़े रिसीव करना जो आप किसी को कोई बोलता पर लेने ना वो आएगा जड़ा उपरों तेल आएगा ना बाइबल कहती उपरों आएगा अज नोट करिए लिखिया वहरून की दाड़ी तक की करेगा जेडे बाइबल पढ़ते कि होएगा हाँ वह अभिषिक्त आ तेल उस तेल दे विच कुछ कार्य होएगा गूंगे भी बोलन लग पेंदे लंगड़ा भी दौड़ा दौड़दा जदों आउंदा आत्मा जोरदा बल वध जांदा जदोंदा आत्मा जोरदा बल वध जांदा कमजोरदा